नाज़रीन आपको बता दें, आज हम मौजूद हैं फिर से एक बार मिरगुड़ में। तो नाज़रीन यहाँ पर दो टीमें इस वक्त मैदान में हैं। एक अच्छा यहाँ पर दिलचस्प मैच हमें देखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तामिल अरशाद और मैं हूँ साहिल नज़ीर वानी। हालांकि नाज़रीन जब हम आजकल की बात करते हैं, ड्रग्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा है या ऑनलाइन बीसी गेम्स का सिलसिला जारी है, जिससे कई सारे नौजवान खराब हो चुके हैं, माली उनकी हालत अब खराब हो चुकी है। लेकिन नाज़रीन आपको बता दें, यहाँ पर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे प्लेयर्स को जो अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करते हैं गेम्स और स्पोर्ट्स में, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग ऑनलाइन बैटिंग गेम्स जिनमें वो काफी ज्यादा पैसे हार जाते हैं। और नाज़रीन आपको बता दें, आज ये इनॉग्रेशन मैच एफसीसी चेक रजा खान वर्सेज रॉयल हंक्स बिमना के दरमियान खेला जाएगा। और नाज़रीन यहाँ पर इस मौके पर चीफ गेस्ट है डीओ मिरगुड़ यास्पर वानी और यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर है डॉक्टर सईद मोहम्मद शाह। और नाज़रीन आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस की यही कोशिश रहती है जहां पर भी प्लेयर्स को असिस्टेंस करने की जरूरत होती है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जो जांबाज सिपाही ऑफिशियल्स वो तैयार होते हैं। और आज यहाँ से ये विंटर कप का पूरा इनॉग्रल मैच खेला जाएगा। तो नाज़रीन सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हार जीत तो वो एक प्रोसेस है, हार जीत पे आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है, आपको अपनी मेहनत पे फोकस करना है। खेलकूद एक मिसाल उस चीज़ को एक एग्जांपल बन के, एक चाहे वो फुटबॉल मैच हो, चाहे वो क्रिकेट मैच हो, कोई भी गेम हो, इससे हमें एक मिसाल मिलता है कि हमें अपनी लाइफ में कैसे रहना है। प्रॉपर डिसिप्लिन के तहत, प्रॉपर एक हार्डवर्क के तहत, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। और है अभी आप देख रहे हो कि ड्रग्स काफ़ी आम हो चुका है यूथ्स में, और ऐसे ऐसे चीज़ें, चाहे गैमलिंग, ऑनलाइन गैमलिंग बैट्स भी आप काफ़ी चल रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारे जो लड़के डिप्रेशन में चले गए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जो फैमिलीज वो ख़राब हो चुकी है। इन दो चीज़ें जो अभी मेन चीज़ें हैं, पहले एक ड्रग्स ही था, लेकिन अभी एक दूसरा निज़ाम जो अभी गालिब हो चुका है, जिसकी वजह से यूथ की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। ऐसे ऐसे यहाँ पे केसेस पाए गए जिनमें किसी ने 80 लाख रुपये गंवाए, किसी ने 30 लाख रुपये गंवाए, किसी ने अपनी फैमिली के का जो प्रॉपर्टी था वो भी बेच के वो भी उसमें गैमलिंग में लगाई। खासकर ऑनलाइन बैटिंग अभी प्रायोरिटी पे, फर्स्ट पे, और सेकंड जो ड्रग्स से जो बार बार बोला जाता है आपको, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा इस चीज़ पर फोकस करना चाहूँगा कि इन दो चीज़ों से आप दूर रहें और अपने आप को एक मेहनत के जरिए, एक प्रॉपर जो आपका कोई फोकस है, गोल है, उस पर फोकस करके एक अच्छे ऑफिसर्स, बिजनेसमैन, चाहे किसी भी फील्ड में आप जाना चाहो, उस पर फोकस कीजिए, पैसे कमाएं, मेहनत से कमाएं और ड्रग्स से दूर रहे। डिप्रेशन दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका है अपने गोल की तरफ ध्यान रखना। करके तो दुशनी टीमन मुबारक क्या साहबन वन के वनकस कम हालात से इन हालात मन कह लूक कह लड़क सन लक लक चरस चवान गैमलिंग सोरे कह कर मेन वन जरूरत कह साहबन वो अमु दौर बेहतरीन अफसर तुम वनकस ये कि खेल कूद सू वापस्तगी। तो नाज़रीन यहाँ पर दो टीमें इस वक्त मैदान में है। एक अच्छा यहाँ पर दिलचस्प मैच हमें देखने को मिलेगा। मजीद जो रॉयल हंक्स बिमना के यहाँ पर टॉप प्लेयर्स हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने टॉस हारा है, अब इनको फील्ड करना है, कैसा इनको यहाँ पर महसूस होता है। जी सबसे पहले अपना नाम बताएं। इरफान बाबा मेरा नाम है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि हमने तो टॉस हारा, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, जीतेंगे इंशाल्लाह, करेंगे कोशिश। इससे पहले आपने यहाँ पर कोई मैच खेला है या आज? हाँ जी, तो हम खेलते हैं, हम आते हैं यहाँ बिमना, बहुत टीम यहाँ खेलते हैं और अच्छा यहाँ ग्राउंड भी अच्छा है और यहाँ सपोर्ट भी बहुत बहुत अच्छे करते हैं। क्या लगता है आपको, पहले फील्डिंग अगर आप करोगे तो कौन सा टारगेट आप चेज करोगे? बस 120-110 तो हम इंशाल्लाह करेंगे। तो आपको ओवरऑल इस ग्राउंड में आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा ग्राउंड है और आउटफील्ड भी बहुत अच्छा है और यहाँ अंपायर भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर बहुत मज़ा आता है खेलने में। बहुत बहुत शुक्रिया।